बच्चों देखिए आज हम पढ़ेंगे चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन लिखकर करिए, निम्न में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इनके उत्तर भी दे रखे हैं आपके सामने, हर प्रश्न के सामने इसका आंसर दे रखा है चार, इनका क्वेश्चन को लिखना है। सुन रहे हैं? देखो अजय यहां पे लिख रखा है अजय, अजय बस पर मत कर। अब आपको देखना है इनका आंसर क्या लिखा हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड में। अब इसका आंसर लिख रखा है यहां पे चल चल रख, ये तीन आंसर है। इस आंसर में से जो सही आंसर है वो आपको यहां पे लिखना है। तो अजय बस पर मत, तो क्या है आपने चल चल रख, सही आंसर क्या है इसमें, सही आंसर है यार चल। आया समझ आपको, अजय बस पर मत चल, ये हो गया ट्रैक्टर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वस्थ रहने के लिए हमें कसरत करना चाहिए, तो यहां पे लिखा है कसरत, कसरत। और यहां पे जो जगह आंसर की जो जगह दिखाई दे रही है इसमें हमको ढूंढना है, देखना है, समझना है कौन सा आंसर इस हमको यहां पे रखना है। आंसर तीन दे रखे हैं मत कर जब। अब आपको देखना है इसमें से इसका सही आंसर कौन सा है, तो कसरत मत कर या जब, जो भी सही आंसर वो हमको यहां पे लिखना है। इसका मतलब ये तो बात कि आज इसका आंसर ये सही है, यहां पे हमने लिखा कसरत कर। ओके ये आंसर यहां आया, इसका सेकंड आंसर यहां है। अब अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन वो ये कि बतख बतख, हम वैसे गलत बोलते रहते हैं बतख बोलते हैं, तो उसका सही नाम है बतख पकड़, बतख पकड़। अब यहां पे हमको देखना है आंसर इसका आंसर सही क्या है, तो सही आंसर देखिएगा यहां ये अब मत चल, इन तीनों में से जो सही आंसर है तो वहां पे क्या बनता है इसका सही आंसर बतख मत पकड़। यहां देखेंगे हम ये इसका आंसर सही है मत, यहां पे क्या आएगा इसका आंसर मत। ओके समझ आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर चार, चार में राज या जो भी नाम लिख सकते राज राम वगैरह, तो यहां पे लिख रखा है क्वेश्चन राज बाजार खाली जगह से सबसे सुनना राज बाजार नहीं या गया या पाया, हम इसमें से जो सही आंसर रहेगा वो हम ढूंढेंगे कि राज नाम का जो लड़का है स्टूडेंट वह बाजार गया, तो यहां पे नहीं यहां पे गया यहां पे पाया, ढूंढना तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारा सही, तो ये आंसर हमारा सही है राज बाजार गया, ये हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और जो हमने यहां नोट किए क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो कि ये टेस्ट में आने जैसे क्वेश्चन है, इसमें लिखा है गरम गरम मटर। अब गरम गरम मटर यहां पे हमको इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा गरम गरम मटर रख चख या बक, रख तो सकते नहीं है गरम गरम चीजें, चख सकते हैं बक कर नहीं सकते हैं, तीनों में से जो सही आंसर आया वो आएगा गरम गरम मटर चख, यहां पे हमने गरम गरम मटर चख ही, ये हो गया इसका आंसर। चौथा है अदरक, अदरक की स्वाद की जो चाय बहुत टेस्ट लगती है, इसलिए बाजार से गया तो बाजार से अदरक
ये इसका आंसर आया। इस प्रकार आंसर हमको देखना है और जो सही आंसर है वो हमको दिखना है। टेस्ट में जो चीजें वो आई वो इस प्रकार से आई। नेक्स्ट इसी तरह मैंने यहां पर भी इस प्रकार से बात रखा है सही ध्वनि लगाना। अब यहां पे तो पहले आपको क्वेश्चन ढूंढना था, अब यहां पे कसरत इसके साथ जा लिखा हुआ है, इसे कर लिखा हुआ है, इसे पकड़ लिखा हुआ है, इसे पीछे रख लिखा हुआ। अब कसरत तो यहां पे आया कसरत कर। अब बाजार बाजार तो ढूंढना पकड़ चक तो बाजार था आएगा बाजार जा। अब मैंने एक खरगोश हो रखी है वो हमको देखना है वहां पे आया। अब पटर वही मेरा मतलब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया उदाहरण है मटर चक। अब दूसरा बतख मत पकड़ कलश भर ये कलश भर इस प्रकार से ये यहां पे आया। तो आपको कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा चार में से आपको तीनों में से एक सही आंसर दिखना है और इन्हीं क्वेश्चनों को हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। ठीक है समझ में आ गया आपको। ओके okay?